ग्वालियर में एक अनोखा मामला सामने आया है। जब बीएससी थर्ड ईयर की छात्रा परीक्षा में सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं लिख सकी तो प्रोफेसर को चकमा देकर उत्तर पुस्तिका ही लेकर घर निकल गई। छात्रा की चालाकी उस समय पकड़ में आई जब परीक्षा के बाद क्लास में ड्यूटी कर रहे टीचर कॉपियों का मिलान रोल नंबर से कर रहे थे। मिलान के दौरान एक उत्तर पुस्तिका कम मिली तो सबके होश उड़ गए। कई बार बारीकी से उत्तर पुस्तिकाओं की गिनती की गई लेकिन हर बार एक कॉपी कम मिलती। मामले की तह तक जाने के लिए सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया तो मामले का खुलासा हुआ। फुटेज में छात्रा उत्तर पुस्तिका लेकर कॉलेज के बाहर जाती दिखी। इसके बाद केंद्र अध्यक्ष ने छात्रा के मोबाइल पर कॉल किया लेकिन फोन बंद मिला, जिसके बाद मामले की सूचना कंपू थाना पुलिस को दे दी गई। ग्वालियर निवासी 20 वर्षीय जूली कुशवाहा पुत्री लाल सिंह कुशवाहा बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा है। शनिवार सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच उसकी जूलॉजी विषय की परीक्षा थी। नियत समय पर वो परीक्षा देने पहुंची, जहां पर परीक्षक अतिथि विद्वान मनीष शर्मा ड्यूटी पर तैनात थे। परीक्षा कक्ष में अतिथि विद्वान ने सभी छात्राओं को उत्तर पुस्तिका सौंपी। परीक्षा का समय पूरा होने पर मनीष शर्मा ने सभी छात्राओं की कॉपी जमा करा ली। वहीं जब कॉपियों का मिलान किया तो एक कॉपी कम मिली, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन को जानकारी दी गई। कॉलेज प्रबंधन ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छात्रा की पहचान करने के बाद पुलिस को बुला लिया। पुलिस को छात्रा के कॉलेज के बाहर जाने का फुटेज भी सौंपा गया, जिसके बाद कंपू थाना पुलिस ने मामले की जांच के बाद छात्रा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। सीएसपी विजय भदौरिया ने बताया कि छात्रा के खिलाफ अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया गया है। वहीं छात्रा पर आरोप है कि वो अपनी उत्तर पुस्तिका कॉलेज में जमा ना करके अपने साथ ले गई, जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। पुलिस जब छात्रा के घर पहुंची तो वो उसे घर पर भी नहीं मिली, जहां परिजनों को समझाइश देकर पुलिस लौट आई है। छात्रा के पकड़े जाने के बाद ही उसने ऐसा क्यों किया ये साफ हो सकेगा। आज एग्जाम था, एग्जाम के बाद उसने लिखा पूरा, लिखने के बाद एग्जाम के खत्म होने के बाद वो अपना आंसर पेपर शीट अपने साथ लेके गई है, जो यूनिवर्सिटी जो उसके कॉलेज के कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह काफी उसका उल्लंघन है। इसके वजह से FIR दिया गया है कॉलेज की तरफ से, तो हमने 406 IPC में कर दिया FIR। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है।